ऐसे डीपली जाना यूं नीचे से यार, लग रहा है कट ना जाए। नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। देखो भाई क्या बारिश हो रही है, भयंकर। दिख रहा है एक, ये देखो। अरे भाई साहब क्या भयंकर ओले पड़ रहे हैं ऊपर, बहुत तेज़ बारिश आ रही है और ये मौसम ऐसा ख़राब हो चुका है इस समय। और ये जो मौसम है भाई, इससे बहुत ज़्यादा फ्लू वाली प्रॉब्लम्स होती हैं और ये कोरोना जो है फ्लू वाली बीमारी है, तो बहुत रिस्की है ये चीज़। अभी देखते हैं मौसम कैसा साफ होता है। शाम के 6 बज रहे हैं, बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलने चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है। तो ये बात जो है लगभग श्योर हो चुकी है कि 17 तारीख के बाद भी बार्बर शॉप्स नहीं खुलेंगी। तो इसका मतलब है ये जो हमारी जुल्फे हैं, ये जो बड़े बड़े बाल हो गए हैं, ये हमें खुद ही काटने पड़ेंगे, क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी है मुझे। और मुझे बड़े बाल रखने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, कभी मैंने कभी ज़िंदगी में बड़े बाल नहीं रखे हैं। बचपन में मेरे बहुत बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, क्योंकि मेरा मुंडन बहुत लेट हुआ था, तो तब मैं ऐसे ही रहता था। लेकिन अभी बहुत गर्मी लग रही है तो मुझे कल ये बाल काटने हैं, तो इसके लिए मैंने एक बंदा बुलाया है जिससे आप कल मिलोगे। उसको आपने पहले भी देखा है मेरे वीडियोस में, कल फिर देख लेना। और आई होप वो मेरे सही से बाल काट देगा, मैं उसके बाल काटने वाला हूँ, वो मेरे बाल काटेगा। तो अगर सब सही हुआ तो ठीक ठाक बाल हो जाएंगे, नहीं तो फिर क्या होगा, हमको बनना पड़ेगा कांचा चीना और सारे बाल पे मशीन लगानी पड़ेगी। और कांचा चीना बनने के बाद मैं बिल्कुल कांचा चीना जैसा ही लगूंगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसी लुक मेरी रहे, तो इसलिए अब कल देखते हैं। अभी आज है 14 तारीख और अभी भी बारिश बंद हुई है, 8 बज रहे हैं करीब। तो कल देखते हैं, कल बताते हैं आपको कैसा रहेगा मेरा हेयर स्टाइल। तो पूरा वीडियो देखना एंड तक और लाइक ज़रूर कर देना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास जुगाड़ तो है नहीं, तो ये टेंट बिछाएंगे हम नीचे और उसमें बाल इकट्ठे करेंगे, वरना यहाँ पे सफाई करने में मच जाएगी दवाई। और ये कैमरामैन ठाकुर है, अनुप ठाकुर, शक्ल दिखा दो अपनी। हेलो। तो अभी मेरे बाल जो हैं कुछ इस तरह से हैं और ये करेगा मेरा हेयर कट। और ये मैंने इधर बिछा दिया अपना टेंट ताकि बाल इधर उधर ना फैले। तो अभी शुरू करते हैं। करो। और जैसे ही मेरे काटेगा वैसे ही मैं इसके रिटर्न में काटूंगा। अगर ये अच्छे काटेगा तो अच्छे इसके भी कटेंगे, बेकार काटेगा तो इसके भी बेकार कटेंगे। हाँ तो बताइए इधर आगे क्या करने वाले हैं आप। देखो पहले हम स्टार्ट करेंगे 10 से, 10 नंबर से देखते हैं कितनी कटिंग होती है, हम प्रोफेशनल तो है नहीं, कितने बारीक कटेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी और छोटे करने की तो इसका नंबर और कटा लेंगे। तो 10 पे हम इसलिए रख रहे हैं कि हम सिर्फ हमारे बाल ही कटें और कुछ ना कटें। तो शुरू करते हैं भाई, अपने भगवान भगवान का नाम ले ले, जो भी लेना चाहता है तू। हाथ कांप रहा है, मजाक नहीं कर रहा। यार ये भी पता नहीं चल रहा ना, यहाँ तक करना है, यहाँ तक। हाँ जहाँ तक कर दे, देख लेंगे। मैं यहाँ फंसा रहा हूँ। आइला काट दिए। 10 पे तो कटी नहीं। कटेंगे वे और नहीं कटेंगे, आएगी थोड़ा ठीक से करना, अंदर डीप ले, डीपली जा। नहीं आ रहा यार 10 में, तो कम कर दे। ये देख इतने से कटेंगे, कम कर दे। भाई देखो अपने को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, बिल्कुल नूब्स की तरह हम ये काटने वाले हैं बाल, और जैसा भी कटेगा कट जाएगा। अबे 4 की तो तेरी दाढ़ी है, 5 पे तेरे बाल नहीं आ रहे इसमें। तू ठीक से नहीं लगा रहा पूरा, ऐसे डीपली जाना यूं नीचे से यार, लग रहा है कट ना जाए। नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। अभी ध्यान रखो जैसे काट रहे हैं इस साइड भी ऐसे ही काट ले। नहीं बस एक बार चारों तरफ मार के ना, फिर ये वाले छोटे कर।
ये देखो कितना कट चुका है हमारा। अब थोड़ा सेट कर ले, पानी वानी मार। भाई स्प्रे नहीं है, सैनिटाइजर है, बता वो मारना है सर में। सैनिटाइजर मार के माचिस मार दे सर में। होती तो है वैसे गुलजार। भाई गुलजार से भी झूठ बोले कौवा काटेगा। अनिल कपूर लग रहा हूँ पूरा का पूरा एकदम डिट्टो। और ये क्या कर दिया है हमने। सिचुएशन ना हो देखो हमारा कुछ कुछ थोड़ी शेप वैसे ठीक लग रहे यार, इतना बुरे नहीं लग रहे। तू कैमरे में नहीं लग रहे। तो अभी सिचुएशन कुछ गड़बड़ हो चुकी है, कहीं से भी कुछ भी कट रहा है, मतलब बाल। ये देखिए क्या हेयर स्टाइल आ चुका है मेरा। सही आ रहा भाई, करो करो जो भी कर रहे हो करते रहो। तो है ना, ये हमारे बाल कट चुके हैं। और गाड़ी जो तू नॉर्मल काटता है लगता है कि हाँ ये शेप है। ये हमारे बाल हैं, ठीक लग रहे हैं यार, हो गए। ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, हेयर कट जो हमारा हुआ है ठीक ठाक लग रहा है यार, नॉट बैड, ठीक है। तो फाइनली हेयर कट हो गया है, कुछ ये आर्मी वाला लुक आ चुका है और इसने जो है ठीक ठाक काम कर दिया है। और ये अपने नहीं कटवा रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि इसकी जो मशीन है वो बीच में बंद हो जाएगी, क्योंकि ये आधे घंटे चलती है, आधे घंटे चार्ज करने के बाद आधा घंटा फिर बीच में खराब बंद पड़ जाती है। पता चला आधे कट्टे आधे रह गए, इसलिए इसने अभी नहीं कटवाए, ये बाद में कटवाएगा। कमेंट में बताना कैसे लगे, और किसी को कटवाने हो तो इससे इंस्टाग्राम अकाउंट दे दूंगा मैं, इसको मैसेज करके इससे कटवा लेना बाल, ठीक ठाक काट लेता है लड़का, अभी तो बिजनेस चालू कर सकता है लॉकडाउन में। A few minutes later. बताइए लग रहा है वो। चलो फिर अभी जा रहा है अपने घर, और अभी ये वीडियो एडिट भी करनी है, कर लेगी। तो टाटा बाय बाय कर दो। सी यू फिर मिलेंगे, अब ईद पे मिलेंगे। तो आज मेरी शक्ल थोड़ी चेंज सी लग रही होगी आपको, और बाल भी थोड़े अलग अलग रहे होंगे, थोड़े अलग से कट गए, थोड़े यहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ हो चुकी है, लेकिन अब जो भी है गर्मी जो लग रही थी बालों की वजह से वो काम ख़त्म हो गया है। और इस वीडियो को मैं फ़िलहाल यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाना, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ नीचे कि ये जो मेरा नया हेयर स्टाइल हुआ है ये गलती से हुआ है, मैंने जानबूझ के नहीं किया है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो जैसा तैसा हो गया, कांड हो गया तो हो गया। तो कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ, अगर ठीक लग रहा है तो लाइक ज़रूर करके जाना, नहीं लग रहा तो भी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम हैंडल नीचे आ रहा होगा निशांत व्यूज़, तो उसको फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली अपडेट्स मिलती है। ये वीडियो जो डल रही है इसकी अपडेट मैं पहले डाल चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे आपको ज़्यादा जल्दी अपडेट मिलेगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। तो अभी इतना ही है, टाटा टाटा बाय 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 बाय।